चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ मस्ट हैव जीन्स। मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पास ये 5 जीन्स होगी तो आपको इनके अलावा कोई और जीन्स खरीदने की जरूरत नहीं है, और अगर आप और कोई जीन्स खरीदते हैं वो आपकी चॉइस है, लेकिन ये 5 जीन्स मस्ट हैव है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, मैं अभी जितनी भी जीन्स दिखाने वाली हूँ आपको वो सब हाई वेस्टेड है, बिकॉज मेरा जो बॉडी टाइप है वो थोड़ा चबी है, मैं थोड़ी सी चबी हूँ, इसीलिए मैं हाई राइज जीन्स प्रेफर करती हूँ वेयर करना। आप थोड़े से स्लिम लगते हो, सेकंड थिंग आपकी हाइट जो है वो थोड़ी बड़ी लगती है। मेरी हाइट इतनी अच्छी नहीं है, मेरी हाइट ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा लंबा लगना अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैं हाई राइज जीन्स पहनती हूँ जो कि मुझे थोड़ा स्लिम दिखाती है और मुझे थोड़ा सा लंबा होने का इल्यूजन देती है। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली जीन्स से। सो दिस इज आवर फर्स्ट जीन्स, दिस इज ब्लैक इन कलर। सेकंड, दिस इज स्लिम फिट जीन्स। मैंने ये मस्ट हैव में इसलिए डाली है क्योंकि सबके पास एक ब्लैक जीन्स होनी चाहिए। ब्लैक जीन्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में सब में चल जाती है, और मैं स्किनी ब्लैक जीन्स आपको सिर्फ इसलिए ही दिखा रही हूँ क्योंकि वो आप फॉर्मल के साथ भी पहन सकते हो। अगर आप ऑफिस गोइंग हो, अगर आप नॉर्मली कोई वैसी जॉब भी करते हो जो थोड़ी कैजुअल है, तो उसमें आपको ब्लैक जीन्स की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। आप किसी भी आप नॉर्मल टॉप्स के साथ भी ब्लैक जीन्स पहन सकते हो, एंड आप जो आपकी फॉर्मल शर्ट्स है और बाकी जो चीज़ें हैं उनके साथ भी आप ब्लैक जीन्स पेयर अप कर सकते हो। सो ब्लैक जीन्स इज मस्ट हैव फॉर मी। ये थोड़ी सी फेड आउट है, लेकिन अभी मैं नई ब्लैक जीन्स खरीदने वाली हूँ, तो प्लीज़ मुझे कुछ रेकमेंड कर देना मैं कहाँ से खरीदूँ जिसका कलर जल्दी से फेड आउट ना हो। तो हम बढ़ते हैं हमारी सेकंड जीन्स की तरफ, जो है एक डार्क ब्लू जीन्स, एंड दिस इज आल्सो स्लिम फिट। मेरा ब्लैक जीन्स पहनने का मन नहीं करता, तो मैं उसको डिच करके डार्क ब्लू पहन सकती हूँ, क्योंकि जो ब्लैक जीन्स आपके टॉप के साथ अच्छी लगेगी वही सेम टाइम डार्क ब्लू जीन्स भी आपके सेम टॉप के साथ अच्छी लगेगी। आप डार्क ब्लू जीन्स किसी भी फिट में ले सकते हो, स्ट्रेट लेग, मॉम फिट, एनी बॉयफ्रेंड फिट, किसी भी टाइप की फिटिंग में आप ले सकते हो। मैंने ये ली है स्किन फिट में। द रीजन इज आई लव टू पेयर डार्क ब्लू जीन्स विद ड्रेसी टॉप, जो क्यूट टॉप होते हैं, थोड़ा सा आपको एलिगेंट दिखाते हैं, उनके साथ मुझे स्किनी जीन्स बहुत अच्छी लगती है, और स्किनी जीन्स आपको थोड़ा सा एक एलिगेंट लुक दे देती है। आप थोड़े से शीक लगते हो, आप पूरा ड्रेसअप होके एक एलिगेंट सा लुक आ जाता है। कहीं भी फॉर्मल जगह जा रहे हो या किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ आपको थोड़ा प्रेजेंटेबल लगना है, तो उसके लिए स्किनी फिट जीन्स बहुत अच्छी होती है, जिनके साथ आप हील्स भी पेयरअप कर सकते हो। आप नॉर्मली आप बॉयफ्रेंड जीन्स या मॉम फिट जीन्स के साथ हील्स पहनोगे वो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन सेम टाइम अगर आप स्किनी फिट जीन्स के साथ हील्स पहनोगे देन दे विल लुक वेरी गुड। दैट्स वाई मैंने डार्क ब्लू में भी स्किनी फिट जीन्स ही ली, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा टॉप के साथ पेयरअप कर पाती हूँ, एंड ये मेरे को बहुत एलिगेंट भी दिखाती है। और अगर मेरे को किसी ऐसे फंक्शन में जाना है या किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ मुझे एलिगेंट लगना है, तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता और मैं जल्दी से ये अपना डार्क ब्लू या फिर अपनी ब्लैक जीन्स पहन के चली जाती। तो हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड जीन्स की तरफ, जो है एक स्काई ब्लू जीन्स। मैंने स्काई ब्लू जीन्स इसमें इसीलिए डाली है, फर्स्ट ऑफ ऑल डार्क ब्लू, ब्लैक, ये जितने भी डार्क कलर्स हैं, इनसे हम कभी ना कभी हमें फील होता है कि यार बोर हो गए हैं, अब हर जगह ब्लैक या ब्लू या डार्क ब्लू ये सारे कलर्स पहन के जाएंगे, सबको लगेगा इसके पास एक ही जीन्स है क्या, इसके पास यही जीन्स है क्या, ये यही पहन। इसीलिए मैंने ये स्काई ब्लू जीन्स अपने उसमें रखी है, क्योंकि अगर हमें कहीं ऐसे नॉर्मली हमें कहीं जाना है, कहीं भी लंच पे जा रहे हैं या फिर नॉर्मली दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं या कोई इंस्टेंट प्लान बन गया और हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं है और गर्मी का टाइम है, गर्मी में लाइट कलर बहुत सही रहता है, उसमें ज़्यादा आपको गर्मी भी नहीं लगती, कंफर्टेबल भी रहता है। सो इसीलिए मैंने ये स्काई ब्लू जीन्स डाली है,
एंड सेकेंड थिंग, इसमें नीज पे थोड़ा डिस्ट्रेस्ड है, मेरे को इस टाइप का पैटर्न बहुत अच्छा लगता है, मुझे डिस्ट्रेस जीन्स बहुत अच्छी लगती है, आई लव डिस्ट्रेस जीन्स, मैं काफ़ी सारी जीन्स मेरी डिस्ट्रेस्ड ही होती है क्योंकि आई लव दैट। ये एक एलिमेंट जीन्स का बहुत जल्दी पसंद आता है, स्पेशली अगर वो नीज से डिस्ट्रेस्ड हो तो आई लव दैट। आई डोंट नो, आई हैव अ ऑब्सेशन विद नीज डिस्ट्रेस जीन्स, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली ये स्किनी फिट एंड नीज से डिस्ट्रेस ले रखी है। अगेन स्किनी फिट इसीलिए क्योंकि ये मेरे को थोड़ा सा एलिगेंट और अच्छा और ड्रेसी दिखाती है। हाँ ये है कि इसको हम ज़्यादा डार्क टॉप के साथ पेयर अप नहीं कर सकते, ये ज़्यादातर वाइट या फिर लाइट कलर के टॉप के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन फॉर अ चेंज एक स्काई ब्लू जीन्स हमें अपने वार्डरोब में रखनी चाहिए ताकि हमें जब थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल करने का मन करे या फिर थोड़ा डिफरेंट लगने का मन करे या थोड़ा कूल लगने का मन करे तो हम जल्दी से अपना स्काई ब्लू जीन्स लेके पहन के जा सकते हैं। सेकेंड थिंग, आजकल और थोड़े टाइम पहले से वाइट स्निकर्स पहनने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है, तो वाइट स्निकर्स जो हैं वो ब्लैक वगैरह के साथ तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब अगर आप कभी ट्राई करना, अगर आप उसे स्काई ब्लू जीन्स के साथ पेयर करोगे, दे विल लुक बॉम्ब, एंड मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ आपकी स्काई ब्लू जीन्स के साथ व्हाइट कलर के स्निकर्स आपको इतना अच्छा लुक देने वाले हैं। ओ दैट्स व्हाई आई प्रेफर्ड अ स्काई ब्लू जीन्स फॉर यू गाइस। अब हम बढ़ते हैं अपनी फोर्थ जीन्स की तरफ। अब हो गया स्किनी फिट बहुत, तो अब हम हैं अपनी इस जीन्स के साथ। ये है एक मॉम फिट जीन्स, इसके कलर पे मत जाना, ग्रे कलर मेरा लेने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ इसे इसलिए लिया क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल जीन्स है। प्लस अगर आप कोई भी मॉम फिट जीन्स पहन रहे हो वो बहुत कंफर्टेबल लगने वाली है, आई एम डैम श्योर। हर किसी को एक मॉम फिट जीन्स ट्राई करनी चाहिए। बीइंग अ चबी गर्ल, मुझे पहले ऐसे लगता था कि मैं अगर मॉम फिट जीन्स पहनूंगी या ऐसे थोड़ा लूज फिट जीन्स पहनूंगी तो मैं बहुत मोटी लगूंगी, ऑलरेडी मैं इतनी मोटी सी लगती हूँ और मैं ऐसी खुली खुली जीन्स पहन तो मैं और ज़्यादा मोटी लगूंगी, लेकिन जब मैंने ये जीन्स ट्राई करी, ये मैंने अमेरिकन ईगल से ली थी, एंड जब मैंने ये ऐसे ही जाके ट्राई कर ली थी, आई डोंट नो व्हाई, मैंने आज से पहले कभी ग्रे कलर खरीदा भी नहीं, लेकिन ये ग्रे में ही थी, मेरे को इसका ऑल ओवर लुक बहुत अच्छा लगा। सेकंड थिंग, क्योंकि ये नीज से डिस्ट्रेस थी तो इसने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, एंड आई थॉट लेट्स जस्ट ट्राई इट, और पहले भी मैं मॉम फिट जीन्स पहनती थी तो इसीलिए मेरे को लगा चलो एक बारी ट्राई कर लेते हैं। ये मॉम फिट है लेकिन ये मॉम फिट से थोड़ी सी एक्स्ट्रा लूज मुझे लगती है, ये मुझे प्रॉपर मॉम फिट नहीं लगती, लेकिन जब मैंने इसे ट्राई करा, दिस इज वेरी 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 कम्फर्टेबल, ये नेक्स्ट लेवल वाली कम्फर्टेबल है। लाइक जब से मैंने इस जीन्स को खरीदा है ना, मैं हर जगह सिर्फ यही जीन्स पहन के जाती हूँ, आई लव वेयरिंग दिस जीन्स, एंड मैं इसको पहन के इतना कॉन्फिडेंस, इतना कूल एंड इतना अच्छा फील करती हूँ। लाइक मेरे को अगर मैं कहीं भी जा रही हूँ तो मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मैं कंफर्ट के लिए क्या पहनूँ, मेरे जल्दी से ये जीन्स निकलते हैं और मैं ये पहन लेती हूँ। हाँ इसका बस एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये वाइट और ब्लैक टॉप के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इसका कलर ग्रे है, सेम टाइम अगर आप इसको किसी और कलर के टॉप के साथ पेयर अप कर रहे हो तो ये उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी ये वाइट और ब्लैक टॉप के साथ लगती है, लेकिन आई लव दिस जीन्स। मैंने ये मस्ट हैव में इसलिए डाली क्योंकि एक मॉम फिट लूज फिट जीन्स है एंड दिस इज वेरी कंफर्टेबल। प्लस पॉइंट इसमें ये है कि ये नीज से डिस्ट्रेस्ड है और मेरे को इस टाइप का पैटर्न बहुत अच्छा लगता है, आई लव वेयरिंग दिस काइंड ऑफ पैटर्न बिकॉज दिस मेक्स यू लुक कूल एंड वेरी कंफर्टेबल। तो ये हमारी फोर्थ जीन्स थी। हमारी लास्ट जीन्स, एक्चुअली इसे जीन्स नहीं आप ट्राउजर या पैंट्स बोल सकते हैं, ये है एक बिल्कुल स्ट्रेट वाइड लेग पैंट, और दोबारा इसके कलर पे मत जाना, मैंने इसको इसके कलर की वजह से नहीं खरीदा, मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ इसके कंफर्ट की वजह से खरीदा है। एक्चुअली मैंने इसे ऑनलाइन ऑर्डर करा था
तो उसमें कलर कुछ और था और आने के बाद इसका कलर कुछ और हुआ, लेकिन जब मैंने इसको पहन के देखा आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल। एंड मैंने आपको पहले बताया कि मैं इतना बीइंग अ चबी गर्ल मैं इतना डरती थी कि मैं कुछ लूज पहनूंगी तो मैं और ज्यादा फैली हुई और ज्यादा मोटी लगूंगी, लेकिन जब मैंने इसे पहना फर्स्ट ऑफ ऑल ये इतनी कंफर्ट थी तो मैंने सोचा भी नहीं कि मैं इसे एक्सचेंज करा दूं। मुझे लगा कभी मैं जैसे सरोजनी शॉपिंग पे जाती हूँ या किसी ऐसी जगह शॉपिंग पे जा रही हूँ जहाँ बहुत भीड़ होती है, हाँ बहुत रश होता है और बहुत गर्मी में हम बाहर शॉपिंग करें, स्ट्रीट शॉपिंग करें या कुछ भी, तो उस टाइप पे इस टाइप के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। लाइक अगर आप ऐसे कहीं ऐसे घूम रहे हो या गर्मी में आप कहीं घूम रहे हो, और अभी तो थोड़ी बहुत गर्मी है, आने वाले टाइम में आई थिंक थोड़ी हल्की हल्की ठंड पड़ने लग गई है, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी है, तो इस टाइम में भी ये जीन्स बड़ी कंफर्टेबल है एंड इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, तो इसीलिए एक स्ट्रेट फिट वाइड लेग जीन्स हर किसी के पास होनी चाहिए। अगर आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो, मेन थिंग अगर मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ तो मुझे सोचना नहीं पड़ता, ये जीन्स मैं निकालती हूँ और मैं ये पहन के निकल जाती हूँ। अगर मैं पूरे टाइम मेरी 6 आवर्स की जर्नी है या 7 आवर्स की जर्नी है, कार में जा रही हूँ या मैं किसी भी चीज़ में जा रही हूँ, मैं इसको पहन के बैठना मेरे लिए इतना कंफर्टेबल रहता है, और जितना टाइट जो जीन्स होती है, स्किनी जीन्स होती है या ऐसी कोई जीन्स होती है उनको पहन के आई कांट ट्रेवल। कई लोग कर लेते हैं बट आई कांट ट्रेवल। अगर मैं ट्रेवल कर रही हूँ तो मुझे एक कंफर्ट चाहिए और आई लव टू ट्रेवल विद माई कंफर्ट जोन, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं जितने लूज कपड़े पहन सकूँ, जितने ऐसे थोड़ा सा ऐसे फ्लोई थोड़े से लूज कंफर्टेबल से कपड़े पहन के मुझे ट्रैवल करना पसंद है। तो बेसिकली मैंने सिर्फ ट्रैवल के लिए और ऐसी भीड़भाड़ वाली जगह जाने के लिए ही लिया था, लेकिन इसको लेने के बाद आई रियलाइज कि ये सबके पास होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और अगर आप कभी भी इस टाइप की एक भी जीन्स खरीदोगे तो यू विल रियलाइज ये कितनी कितनी कंफर्टेबल और कितनी अच्छी होती है। आपके पास अगर ये जीन्स होगी ना तो आपको लिटरली सोचना नहीं पड़ेगा कहीं भी जाने से पहले कि यार मैं क्या पहनूं, मेरा ये ओकेजन है या फिर यार मुझे ये जाना है, मेरे को ये करना है तो मैं क्या पहनूं। अगर आपके पास ये जीन्स होगी या ये जो मैंने अभी जितनी भी आपको जीन्स दिखाई है उनमें से कोई जीन्स होगी तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना पड़ेगा अपने इवेंट के हिसाब से या अपने आप कहीं भी जा रहे हो उस हिसाब से आपको क्या पहनना है। आपके पास ये 5 जीन्स है आप बिल्कुल सॉर्टेड हो जाओगे कहीं भी जाने के लिए। बेसिकली मेरा ये वीडियो शेयर करने का यही एक मोटिव था कि मैं सबको बता पाऊँ कि आपको बहुत डिफरेंट टाइप की या अलग अलग टाइप की जीन्स है आजकल इतनी ट्रेंडी जीन्स चल रही है, सारी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कुछ ऐसी बेसिक जीन्स है जो आपके सारे चीजों के साथ चली जाएगी और आपका पूरा कंफर्ट और हर चीज देखते हुए आपका सारा पर्पस सॉल्व कर देगी तो आपको 10-15 या इतनी सारी जीन्स लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास ये 5 जीन्स है तो आप बहुत कंफर्टेबली रॉक कर सकते हो आई थिंक, एंड यू डोंट हैव टू स्पेंड योर मनी ऑन दोज ट्रेंडी जीन्स। आजकल इतनी मार्केट में जीन्स चल रही है, अगर आपको स्पेंड करना है मनी दैट इज योर चॉइस। मुझे ये मस्ट हैव लगती है। हाँ मेरे पास भी और टाइप की जीन्स है, मेरे पास बहुत सारी जीन्स है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा यही 5 जीन्स पहनती हूँ, इसीलिए आज मैंने ये सारी जीन्स आपके साथ शेयर करी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।